हरियाणार फरीदाबाद्रु एक लोमोटांकुरा हत्या मामला सामनाकु आसिछि। एठारे पुलिसर क्राइम ब्रांच टीम दाबी करिछि जे 16 वर्षर झिय निज मा सुधांकु हत्या करिछि। पुलिस दाबी करिछि जे प्रेम संपर्क हेतु झिय प्रेमिक सहित मिसि एहि जघन्य अपराध घटाइछि। पुलिस उभयंकु गिरफ करिछि। पुलिस कहिछि जे नाबालिका जनक निज प्रेमिककु विवाह करबाकु चाहुतिला, किंतु मा एथिरे राजी नथिले एवं झिअकु विरोध करिथिले। एथिरे रागी जाय झिअ निज प्रेमिक सहित मिसि मांकु हत्या करिया पई षडयंत्र करिथिले एवं एहि जघन्य हत्याकांड घटा जायछि। पुलिसर सूचना अनुजाई झिअटी रातिरे लेंबू पानीरे निदबटिका मिसाई मांकु पीबाकु दिथिला। एहा परे प्रेमिक ताकु वीडियो कॉल करी हत्या करिवार तरीका बताइथिला। अभियुक्त बुलंद साहर 18 वर्ष वयस्क दीपांशु एवं झिअ फरीदाबाद्र 16 वर्ष वयस्क नाबालिका बोली जणा पडिछि। जुलाई 11 रे फरीदाबाद्र ओडिया कॉलोनीरे डाबुआ बासिंदा विशाल पुलिस निकटरे अभियोग करिथिले जे रातिरे केही जणे तांको मा सुधांकु हत्या करिछि। एहा परे पुलिस डाबुआरे हत्या मामला रुजु करिथिला एवं मामलार तदंत क्राइम ब्रांच डीएलएफ कु हस्तांतर करा जायथिला। क्राइम ब्रांच डीएलएफ शीघ्र यार समाधान करी एक टीम गठन करी मामलार तदंत आरंभ करिथिले। क्राइम ब्रांच डीएलएफ टीम एही घटनार खुलासा करी अभियुक्त दीपांशु को अगस्त 3 रे एवं अभियुक्त नाबालिका को अगस्त 4 रे गिरफ करथिले। पुलिस कहिछि जे वीडियो कॉल ले प्रेमिक कहिबा अनुजाई नाबालिका लेंबू पानी रे निदबटिका मिसाई मांकु पीबाकु दिथिला। एहा परे राति प्राय 12:30 समय रे से अभियुक्त दीपांशु को एक वीडियो कॉल करी षडयंत्र अनुजाई तकिया को मांक मुहरे चापी देबाकु कहिथिला। एहा परे ओढ़नी रे तंटी चिपी देबाकु मध्य कहिथिला। प्रेमिक निर्देश अनुजाई नाबालिका सहीपरि करी निज मा सुधांकु हत्या करथिले। तदंतकारी दल बुधवार दिन अभियुक्त को कोर्ट में हाजिर करते जो कोर्ट अभियुक्त दीपांशु को जेल पठाई।